महाराष्ट्र में उस समय सियासी भूचाल आ गया जब शिवसेना नेता संजय राउत की करीब 11 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। ये कार्रवाई 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्राचौल लैंड घोटाला मामले से हुई, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत पर भी शिकंजा कसा और उनके मुंबई दादर इलाके के इस फ्लैट समेत करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। 31 फ्लोर वाली इस बिल्डिंग का फ्लैट संजय राउत की पत्नी के नाम पर है। जो 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसमें से संजय राउत का एक फ्लैट भी है। 1000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में ईडी की नजर और भी कई संपत्तियों पर है। ये मामला 2007 का है और उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार थी। मुंबई गोरेगांव में एक चौल है जिसका नाम है पात्राचौल। सरकार ने योजना बनाई थी कि पात्राचौल में रहने वाले 672 किराएदारों को फ्लैट मिलेगा, जिसके लिए हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहयोगी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था कि 672 फ्लैट चौल के किराएदारों को देने होंगे और 3000 फ्लैट महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने होंगे। ये फ्लैट 47 एकड़ जमीन पर बनने थे, लेकिन आरोप है कि कंपनी ने जमीन 8 बिल्डरों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेच दी थी। मतलब आरोप ये लगा कि जिसे फ्लैट बनाना था उसने फ्लैट नहीं बनाया और जमीन दूसरे बिल्डरों को बेच दी। आरोप है कि मामले को छिपाने के लिए बैंक से फर्जी लोन तक लिया गया। इस मामले में HDIL के डायरेक्टर प्रवीण राउत और सारंग बधावन को 2020 में गिरफ्तार भी किया गया था और खबर है कि दोनों ने पूछताछ में संजय राउत का नाम लिया था, जिसके बाद संजय राउत की संपत्ति जब्त की गई। और इस मामले के सामने आने के बाद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई और वो भड़क गए। उन्होंने दावा किया कि जो सच है वो सामने आएगा। हमें गोली मारो चाहे हमें जेल भेज दीजिए, संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में संजय राउत को घेर लिया। संजय राउत को काफी कुछ बेनिफिट मिला है, ये किकबैक, फिर उसमें से विमान की टिकट, होटल के बिल। तो बीजेपी ने इस मामले में SIT बनाने की भी मांग की।